ये रुद्राक्ष का फल है जो कि मेरे पहली वाली वीडियो में भी किसी में देखा होगा आपने, बद्रीनाथ वाली में, तो यहाँ पे ये रुद्राक्ष भी है। ये देखिए, सूरजकुंड मेले का जो टाइमिंग है वो है 12:30 से 9:30 बजे तक। रात की जो लास्ट जो टिकट होती है 9:30 बजे तक होती है, यानी कि 9:30 बजे आपको लास्ट टिकट मिलेगी, और जो पहली टिकट मिलती है वो 12:30 बजे से मिलनी शुरू हो जाती है। तो वो आप लोगों को मैंने बता ही दिया, चाहे आप लोग पेटीएम से ले लेना, चाहे वो यहाँ पर आके ले लेना काउंटर से, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं देखने को मिलेगी आपको। तो ये सारा का सारा सूरजकुंड मेला ही है। ये देखिए, ये देखिए सामने से कहाँ पे कह रहे हो, इस साइड में। ये देखिए, ये स्टॉल है, कोई आपने नाक का गले का कोई ज्वेलरी लेनी हो तो वो ले सकते हैं। ये देखिए, भेलपुरी वाले काउंटर पहले दिखाए थे मैंने, तो दोबारा फिर दिखा दी हैं। ये यहाँ पर ATM भी हैं, पब्लिक टॉयलेट, फूड कोर्ट, हर चीज़ की यहाँ पर सुविधा देखने को मिलेगी, लिखा हुआ है सामने। ये देखिए सामने मिनी चौपाल, फूड कोर्ट, पब्लिक टॉयलेट, सब चीज़ है यहाँ पर, हर चीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर यदि थक जाओ तो बैठने की भी सुविधा है, बेंच और सामने टॉयलेट भी है यहाँ पर। तो ये नीचे से कुछ इस प्रकार से व्यू देखने को मिलेगा, सूरजकुंड मिलेगा। ये देखिए, पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है, तो कुछ इस तरीके से व्यू आ रहा है पूरा। आगे जा रहा हूँ, आगे दिल्ली गेट बताया तो दिल्ली गेट दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर एक दिल्ली गेट भी है, यदि उससे और आगे जाएंगे तो पुलिस चौकी आ जाएगी। फिलहाल मैं आपको दिल्ली गेट दिखाता हूँ आगे जाके। तो दिल्ली गेट के नाम पे ही वापस आ गया यहाँ पे। तो बोल रहे थे पीछे दिल्ली गेट है, तो दिल्ली गेट यही है जहाँ से आपकी एंट्री हुई थी, और लेफ्ट में कठपुतली वाले थे, और इसके पीछे था छत्तीसगढ़ गेट। ये देखिए सामने, तो इसी को ही दिल्ली गेट बोल रहे हैं। वो देखिए सामने, सामने की तरफ आप चलते हैं छत्तीसगढ़ गेट से सीधा अंदर। पहले गए थे राइट की तरफ यहाँ से, तो घूम के वापस आ गए थे मेन गेट की तरफ। अब आ गए छत्तीसगढ़ गेट से अंदर की तरफ। ये देखिए, ये साइड में देखिए, ये साइड में छोटे छोटे स्टॉल बने हुए हैं, छोटे छोटे नहीं है, बड़े बड़े स्टॉल हैं। पीछे खादी की दुकान भी है। ये देखिए सामने है खादी ग्रामोद्योग भवन, ये सामने सारा का सारा जो आपको येलो टेंट में नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरा ये खादी वालों का है। अब चलते हैं यहाँ से नीचे की ओर। काफ़ी ज़्यादा शॉप है यहाँ पे, स्टॉल हैं। आएंगे तो आराम से यहाँ पे आपके 3-4 घंटे तो आराम से आप लोग इस मेले में घूम ही लेंगे। अब नीचे की ओर जा रहे हैं। देखिए, ये जो सूरजकुंड का मेला लगता है ये पहाड़ी के ऊपर लगता है, जो कि अरावली पहाड़ी में स्थित है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये राजा
सूरजमल ने शुरू करवाया था जो कि तोमर वंश से संबंधित है। आ गया हूँ मैं नीचे की तरफ, अब जाता हूँ यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ से पीछे की तरफ गए थे वहाँ पे दिल्ली गेट आ गया था घूम के, तो इसीलिए अब उस साइड में नहीं जाएंगे। अब आ गया और अंदर की साइड में, ये देखिए साइड में, मेन तो कपड़ों के स्टॉल हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है हिडिंबा टेम्पल, इसके साथ ही नीचे की ओर चले जाना। अभी मैं ऊपर से आ रहा हूँ यहाँ से, और साइड में ये मंदिर भी मैंने आपको दिखाया था जो कि है भीमकाली टेम्पल, ये प्रतिरूप उसका, ये रहा हिमाचल प्रदेश में है भीमकाली टेम्पल। तो उसके साथ ही अब मैं नीचे की ओर उतर रहा हूँ, तो नीचे की ओर उतर के आपको मिलेगा उज्बेकिस्तान गेट, ये देखिए सामने। खोया पाया के अंदर भी यदि कुछ गुम हो जाए तो यहाँ पे अनाउंसमेंट की जा सकती है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ उज्बेकिस्तान गेट के अंदर यहाँ से। ये देखिए सामने 35वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। आ गया हूँ अंदर की तरफ, ये देखिए अंदर आते ही सामने आपको स्टॉल देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये उज्बेकिस्तान कंट्री वालों के ही हैं जो कि प्रमोट कर रहे हैं हरियाणा टूरिज्म। ये देखिए ऊपर हरियाणा टूरिज्म, ये देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है। और आगे चलते हैं, ये देखो उज्बेकिस्तान गेट से अंदर आते ही अलग अलग कंट्री के आपको काउंटर देखने को मिलेंगे। ये वाला जो काउंटर है ये थाईलैंड का है, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है थाईलैंड। तो पास से दिखाता हूँ, ये देखिए ये सारा थाईलैंड कंट्री का बना हुआ सामान है। ये देखिए ये भी थाईलैंड वालों का है। ये देखिए ये सारा, ये भी थाईलैंड का काउंटर है, ये कोने में सारा का सारा थाईलैंड वालों का काउंटर है। जैसा कि रात हो गई है तो ये घाना कंट्री है, घाना वाला जो काउंटर है वो अभी क्लोज हो गया है। अभी मैं आया था तो ओपन था लेकिन देखते ही देखते क्लोज हो गया है। मोजाम्बिक कंट्री है उसका काउंटर भी क्लोज हो गया है। अफगानिस्तान वाला जो काउंटर है ये भी क्लोज हो गया है, जस्ट अभी हुआ है 2-4 मिनट में ही, देख सकते हैं। ये बाकी लोग भी बस क्लोज करने की तैयारी में है। ये देखिए ये काउंटर भी क्लोज हो चुका है, तो इसीलिए कहता हूँ कि जल्दी आइए यहाँ पर क्योंकि ये रात को बंद हो जाता है। एक और गेट है ये उज्बेकिस्तान का, ये देखिए उज्बेकिस्तान में फेमस एक चर्च है उसी की ही प्रतिरूप इन्होंने प्रोटोटाइप यहाँ दिखाया हुआ है। ये देखिए ये मेरे सामने देख सकते हैं उज्बेकिस्तान का गेट है, और ये वाला जो गेट है ये बिल्कुल सेम टू सेम
उज्बेकिस्तान के अंदर भी है, तो उसका एक प्रतिरूप इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये देखिए मेरे पीछे, और आगे चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रियों के स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर, और काफ़ी मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग भी यहाँ पर आइए और एंजॉय कीजिए। ये वाला मेला 4 अप्रैल तक चलने वाला है, और टाइमिंग मैंने बता दी थी सवेरे 12:30 से लेके शाम को 9:30 तक। फीस भी मैंने बता दी थी, 120 रुपये लगेंगे वीकडेज में, और वीकेंड पे लगेंगे आपके 180 रुपीज़। जो स्टूडेंट हैं या कोई जैसे होते हैं, कौन होते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन हो गया, स्टूडेंट हो गए, तो उनके लिए 50% डिस्काउंट भी है, और कईयों के लिए फ्री भी है। जो कि युद्ध में जैसे कोई होते हैं, जीतते हैं या युद्ध लड़ते हैं किसी कंट्री के लिए, तो उनके लिए फ्री भी है, जिनको फ्रीडम फाइटर, हाँ फ्रीडम फाइटर कहते हैं उनको। ठीक है, तो और आगे लेके चलता हूँ आपको आगे। ये श्रीलंका का काउंटर है, ये मेरे सामने, ये देखिए। साइड में ये सूडान का काउंटर है, ये देखिए। और आगे चलते हैं किर्गिस्तान का, ये किर्गिस्तान का काउंटर है, ये देखिए। इनकी एज पूछता हूँ, ये काफ़ी ओल्ड लोग लग रहे हैं। हेलो, ये नेपाल का काउंटर है, ये देखिए नेपाल, यहाँ भी कपड़े ही रखे हुए हैं। और ये रुद्राक्ष, नेपाल का रुद्राक्ष काफ़ी फेमस है, तो यहाँ पर नेपाल के रुद्राक्ष भी आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए फल भी है ना पीछे रुद्राक्ष का, तो ये रुद्राक्ष के इन्होंने ये फल भी रखे हुए हैं। ये देखिए, ये रुद्राक्ष का फल है, जो कि मेरे पहली वाली वीडियो में भी किसी में देखा होगा आपने, बद्रीनाथ वाली में, तो यहाँ पे ये रुद्राक्ष भी है। ये देखिए, तो ये नेपाल का काउंटर है, ये रहा पश्मीना शॉल है, ये निकल जाएगा ना फिर। ये देखिए नेपाल वाले काउंटर पे, जैसे अब इसको रोल रोल कर रहे हैं तो इसमें से आवाज़ आएगी, अब ये बजाएंगे, उससे पहले आवाज़ नहीं आई थी बजाने पर। देखो ये दो रोल कर रहे हैं, अब ये इसमें टन की आवाज़ आएगी, देखो ऐसे टन की आवाज़ आ रही है। ये देखो, ये तोड़ के फिर निकलेगा अंदर, ये देखिए, ये देखिए करके दिखा रहे हैं, देखो आवाज़ आ रही है। ये वाला जो स्टॉल है ये टर्की कंट्री का है, ये देखिए, ये सारा का सारा, ये वाला काफ़ी कलरफुल है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये सजे हुए, टर्की कंट्री के।